दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। आज है 18 अगस्त और फाइनली आज हमें जो उम्मीद थी उसके ऊपर आज यस बैंक खड़ा उतरा है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हमें लोअर सर्किट देखने को मिला था और काफी करेक्शन भी आता हुआ देखने को मिल गया था। और दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने एक दिन पहले अपलोड किया हुआ था यस बैंक के ऊपर। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यस बैंक में फिर से न्यूज का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और फिर से हमें यस बैंक में अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आज हमें अपर सर्किट देखने को मिल गया, और मैंने आपको लेवल्स भी बताया था कि 14 रुपए के आसपास आप अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ऐसा भी मैंने बोला था, जिसने फ्रेश बाइंग किया होगा वो आज प्रॉफिट में हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम न्यूज के ऊपर जाते हैं और देख लेते हैं क्या न्यूज हमें देखने को मिल रही है। दो तीन न्यूज देखने को मिल रही है यस बैंक के ऊपर, तो हम न्यूज देख लेते हैं और उसके बाद हम कारोबार की डिटेल देख लेते हैं और चार्ट के ऊपर जाके देखने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं और आने वाले दिनों में हमें किस तरह का मोमेंटम दिखा सकता है यस बैंक न्यूज के चलते। तो दोस्तों, हम यहाँ न्यूज के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो हमें न्यूज देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं, यस बैंक कमिटेड टू कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी वर्किंग ऑन रिस्क गवर्नेंस आफ्टर बेल आउट। और ये जो बयान दिया गया है, जो न्यू सीईओ है उसकी ओर से बयान आया है। और ये प्रशांत कुमार है, पहले एसबीआई में काम करते थे, अभी इसने यस बैंक का कमान संभाला है। और यहाँ पे जो ये बयान आया है उसमें हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो कि यस बैंक कमिटेड टू कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदारी होती है, जवाबदेही होती है। तो यस बैंक में अब जो भी काम होगा, जो भी कुछ होगा, अब वो जवाबदारी के साथ होगा। और यहाँ पे जो दूसरी लाइन में बताया गया है, वर्किंग ऑन रिस्क गवर्नेंस आफ्टर बेल आउट, तो वर्किंग ऑन रिस्क गवर्नेंस मतलब का मतलब ऐसा होता है कि हम अब जो भी काम करेंगे, हम जो भी लोन्स प्रोवाइड करेंगे, हम चाहे इंडिविजुअल लोन्स प्रोवाइड करें या तो फिर हम बिजनेस रिलेटेड किसी भी तरह की कोई लोन्स प्रोवाइड करें, तो हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी डिटेल्स हम चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर आगे काम करेंगे। तो ऐसा प्रशांत जैन की ओर से बयान आया है दोस्तों, और ये काफी पॉजिटिव बयान से, और इसको लेके मार्केट में हमें काफी तेजी भी देखने को मिला। तो मतलब यहाँ पे भरोसा दिलाया जा रहा है, शेयर होल्डर्स को भरोसा दिया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को भरोसा दिया जा रहा है कि अब जो यस बैंक में होगा वो बढ़िया होगा और अब जवाबदारी के साथ काम करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी न्यूज कह सकते हैं। और भी दो तीन न्यूज छोटी मोटी आई है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बिजनेस टुडे की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो हमें न्यूज देखने को मिल रही है यस बैंक के ऊपर, आप देख सकते हैं, यस बैंक टू राइज ESOP पुल टू 225 मिलियन, वो ये पहली न्यूज है। फिर दूसरा न्यूज हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, फिक्स MD CEO रिम्यूनरेशन एट 2.84 करोड़। तो हम ये दोनों न्यूज को थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। और तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ESOP का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक होते हैं, वो कंपनी जब आगे ग्रोथ करती है उसमें जो एम्प्लॉय अच्छे काम करते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, उसको इस शेयर्स जो है उसमें से कुछ शेयर्स दिए जाते हैं, उसको प्रोत्साहन किया जाता है। और जो पहले जो क्वांटिटी थी वो 75 मिलियन क्वांटिटी थी, और अभी वो बढ़ा के 225 मिलियन कर दी है। तो ये भी अच्छी खबर है। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी छोड़ के किसी दूसरी बैंक में ना चले जाए, और जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है उसको इन शेयरों में से भी कुछ शेयर दिए जाते हैं कम रेट में। तो ये भी अच्छी न्यूज है। जो दूसरी न्यूज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सीईओ है प्रशांत कुमार, उसका पैकेज का भी अनाउंसमेंट आया है, और उसका एनुअल जो पैकेज दिया गया है वो तकरीबन 2.84 करोड़ का एनुअल पैकेज दिया गया है। और दोस्तों, ये जो एजीएम का मीटिंग है वो 10 सितंबर को है, और एफपीओ के बाद का पहला एजीएम का एनुअल जनरल मीटिंग है, और उसमें भी हमें काफी अच्छे और पॉजिटिव डिसीजन देखने को मिल सकते हैं यस बैंक के ग्रोथ को लेके। और अब दोस्तों, हम जाते हैं NSE की वेबसाइट के ऊपर और आज के कारोबार की डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद हम कल क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अब मैं आपको NSE की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कारोबार का डिटेल्स आज हमें देखने को मिल रहा है, तकरीबन 5% का हमें अपर सर्किट देखने को मिल गया था। प्रीवियस क्लोजिंग जो हमें देखने को मिल रही थी वो 14 रुपये 35 पैसे पे प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली थी, और मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि 14 रुपये पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो ऐसा। और ओपन हुआ था आज 14 रुपये 10 पैसे पे, हाई बनाया था 15 रुपये 5 पैसे का, और लो बनाया था 13 रुपये 90 पैसे का। और यहाँ पे जो डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिल रहा है वो तकरीबन हमें
40% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। और अब दोस्तों हम चार्ट के ऊपर जाते हैं और कल के लिए क्या लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के लिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर यस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें भी ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे है, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए क्या लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 14 रुपये पे आप अपनी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जिसने किया होगा वो आज प्रॉफिट में हो गए दोस्तों। और आने वाले दिनों में मैं फिर से कंटिन्यूसली एक अपसाइड सर्किट लगता हुआ देखने को मिल भी सकता है येस बैंक में। और कल के लिए जो लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं वो 15 रुपये 10 पैसे पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऊपर निकलता है तो 16 रुपये पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर 15 रुपये 10 पैसे के ऊपर निकलता है और ट्रेडिंग भी होता है, अपर सर्किट लग गया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिलता है, 15 रुपये 10 पैसे के ऊपर ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप अपनी पोजिशन बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप लगा सकते हैं तकरीबन 14 रुपये 70 पैसे का अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और 15 रुपये 10 पैसे पे आप अपनी पोजीशन बना के 16 रुपये तक के भी आप टारगेट ले सकते हैं इंट्राडे के लेवल में। और ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे 16 रुपये 60 पैसे पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अपर सर्किट लग जाता है तो तकरीबन आप देख सकते हैं 16 रुपये के आसपास हमें अपर सर्किट लगता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप वॉचआउट कीजिए। और अभी दोस्तों बढ़िया मौका है यस बैंक में खरीदारी करने का, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं यस बैंक में। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप वॉचआउट कीजिए। और पोजीशन बनाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं और इंट्राडे के लिए मैंने आपको लेवल टारगेट बता दिए, और शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट आ सकता है आपका 17 रुपये तक का, तो टारगेट आराम से आएगा दोस्तों, क्योंकि वहां से हमें लुढ़का हुआ देखने को मिला था यस बैंक। 17 रुपये पे कुछ ही दिनों में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है यस बैंक। और आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा बहुत भी आप टाइम के लिए होल्ड करते हैं यस बैंक को तो 22-26 रुपये तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है यस बैंक। तो इन लेवल्स को वॉच आउट कीजिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम उस टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे जो न्यूज रहती है उसके ऊपर हम इमिडिएटली आपको इन्फॉर्म करते हैं, और कुछ स्टॉक में अच्छा पोजिशन बनता है उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते हैं। और अगर दोस्तों जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जीरोधा में अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।